गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्चुअल बेस्ड क्लास पढ़ेंगे। ये क्या होता है? नाउ सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट को देखते हैं तो सिंगल इनहेरिटेंस है। अगर हम इन तीनों क्लास को देखते हैं, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट वन दैट इज अनचाइल्ड, तो ये आपका वो मल्टी लेवल। अगर हम पेरेंट वन पेरेंट टू एंड ग्रैंड पेरेंट देखते हैं तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। और अगर हम पेरेंट वन एंड चाइल्ड देखते हैं तो पेरेंट वन पेरेंट टू एंड चाइल्ड देखते हैं तो ये आपका हुआ दैट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, नाउ ये हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। वो क्या होती है उसको यह हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास ग्रैंड पेरेंट के पास जो डेटा मेंबर है, दैट इज अ प्रोटेक्टेड होंगे, कोई पब्लिक होगा, ठीक है, प्राइवेट होगा, तो प्राइवेट डेटा मेंबर तो एक्सेस नहीं होगा। लेकिन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड जो मेंबर फंक्शन है एंड डेटा मेंबर्स हैं, वो क्या होगा, पहले पेरेंट में आए। चूंकि पेरेंट में आए तो ये सारे यहाँ पे भी आ जाएंगे, इसके पास भी हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, चाइल्ड में आएंगे, चूंकि इनहेरिट कर रहा है। अच्छा, एक दूसरा रास्ता है ग्रैंड पेरेंट पेरेंट टू एंड चाइल्ड, यानी कि इसके जो ग्रैंड पेरेंट यानी कि सुपर क्लास है आपकी, इसके डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन चाइल्ड क्लास के पास दो तरीके से आ रहे हैं, एक पेरेंट वन पाथ के थ्रू और एक पेरेंट टू पाथ के थ्रू। तो यहाँ पे अब कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज कि भाई चाइल्ड के पास दोनों को मिला के चार थोड़ी ना हो जाएंगे। मान लीजिए दो डेटा मेंबर हैं ग्रैंड पेरेंट के और पेरेंट वन के और पेरेंट टू के मिला के चार नहीं हो जाएंगे, यानी कि मल्टीपल कॉपीज पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि जब भी आपके पास मल्टीपल कॉपीज पहुँचती हैं थ्रू मल्टीपल पाथ्स इनहेरिटेंस में, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज वर्चुअल बेस क्लास। ठीक है, यानी कि जो आपका ये जो जिसकी मल्टीपल कॉपीज आपकी आ रही हैं, उसको हम क्या डिक्लेयर, उसको इनहेरिट जब करते हैं सब्सिक्वेंट क्लास में, तो उसको क्या कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट करते हैं, दैट इज अ वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, अगर वर्चुअल लगा दिया इनहेरिट करते वक्त, तो उसकी चाहे कितने भी पाथ हों, केवल उसकी एक ही कॉपी चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होगी। ठीक है, जरा इसको देखते हैं कि हमने लिखा क्या है इसमें। तो इसी मल्टीपल कॉपीज को रोकने के लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास। ऑल द प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स आर इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड ट्वाइस, यानी कि दो बार उसमें इनहेरिट हो रहा है, फर्स्ट पेरेंट वन के थ्रू और सेकेंड वाया पेरेंट टू के थ्रू। दिस मीन्स दैट द चाइल्ड वुड हैव डुप्लीकेट सेट्स ऑफ मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट, यानी कि डुप्लीकेट कॉपीज अवेलेबल हो जाएंगी। दिस इंट्रोड्यूस एन एम्बिग्युटी एंड शुड बी अवॉइडेड, एक एम्बिग्युटी क्रिएट कर रहा है और क्या हो रहा है, इसको अवॉइड करना चाहिए। यह अवॉइड कैसे होता है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है द डुप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स ड्यू टू द मल्टीपल पाथ्स, यानी कि मल्टीपल पाथ से आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं चाइल्ड क्लास में, तो इसको क्या करना है, इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, एक कॉमन बेस क्लास जो है उसको हमने क्या बनाना है, वर्चुअल बेस क्लास। ठीक है, व्हाइल डिक्लेयरिंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस क्लासेस, अब इसको देखते हैं कैसे। When a class is made virtual base class, C++ takes necessary care only one copy of that class inherited. अगर हमने virtual base class बना दी है तो compiler क्या करेगा, केवल एक ही copy क्या करेगा, inherit होके child class में आएगी, चाहे जितने भी multiple paths हो। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं, ये एक example देख रहे हैं। यहाँ देखिए एक student है, ठीक है, student class है और एक test है, एक sports है और एक result, same पैटर्न मैंने लिया है, यानी कि स्टूडेंट के जो डेटा मेंबर है एक टेस्ट क्लास से आ जाएंगे रिजल्ट में, और स्टूडेंट के डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी स्पोर्ट्स क्लास के थ्रू। इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, वर्चुअल बेस क्लास। देखते हैं, हमने देखिए सिंपल एक क्लास बनाई, दैट इज अ स्टूडेंट, इसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर लिया, दैट इज अ रोल नंबर,
अब इस रोल नंबर में हमने क्या कर लिया, इनपुट कर लिया, और पुट नंबर से क्या हुआ, हम इस रोल नंबर को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये हमारी क्लास बन गई, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी की मल्टीपल कॉपीज आपके पास चाइल्ड क्लास में पहुंचेंगी, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नई क्लास बनाई, दैट इज अ टेस्ट, जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। लेकिन इनहेरिट करते वक्त हमने क्या उसे डिक्लेयर कर दिया, एज अ वर्चुअल, यानी कि जब भी इस क्लास को फर्दर हम इनहेरिट करेंगे कहीं और, तो उसकी केवल एक ही सिंगल कॉपी पहुंचेगी स्टूडेंट क्लास की, ठीक है, उसके डेटा मेंबर की, मेंबर फंक्शन की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट यूज करना है, ओनली सिंगल कॉपी आपको इनहेरिट करनी है, तो आप जब भी इनहेरिट करते वक्त एक कीवर्ड यूज करेंगे, दैट इज अ वर्चुअल, यानी कि आप बेस क्लास को क्या बना दे रहे हैं, वर्चुअल बेस क्लास। अब देखिए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर में हमने यहाँ पे दो पार्ट वन पार्ट टू हमने लिया, यहाँ पे गेट मार्क्स से उसमें इनिशियलाइज कर दिया, पुट मार्क्स से हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले करा दिया पार्ट वन एंड पार्ट टू की वैल्यू। गेट मार्क्स से देखिए हमने क्या किया, वैल्यू हमें इनिशियलाइज करवा दी, और पुट मार्क्स से क्या हुआ, हमने इसको डिस्प्ले करा लिया दोनों के मार्क्स। अब हमने देखिए क्लास बनाई, दैट इज अ स्पोर्ट्स, ठीक है। अच्छा देखिए वहां वर्चुअल, इससे पहले वाले में जब हमने इनहेरिट किया था तो वर्चुअल पहले लिख लिया था, यहाँ बाद में लिखा है, तो कोई इशू नहीं है, आप एक्सेस स्पेसिफायर के पहले या बाद में लिख सकते हैं, लेकिन क्लास के पहले। अब हमने यहाँ पे स्कोर नाम का एक डेटा मेंबर लिया, गेट स्कोर से हमने इनिशियलाइज कर रहे हैं, और पुट स्कोर से हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं इस स्कोर को। अब देखिए यहाँ पे हमने रिजल्ट क्लास ली, और हमने टेस्ट एंड स्पोर्ट्स क्लास को क्या किया, पब्लिकली इनहेरिट किया, ठीक है। अब चूंकि जो हमारी स्टूडेंट क्लास है, टेस्ट में भी इनहेरिट है और स्पोर्ट्स में भी इनहेरिट है, तो इसका मतलब उसके मल्टीपल कॉपीज आ रही हैं, लेकिन चूंकि वर्चुअल इनहेरिट करते वक्त हमने वर्चुअल यूज कर लिया, तो केवल एक ही कॉपी क्या होगी, फर्दर रिजल्ट में आएगी, ठीक है। टोटल डिस्प्ले, टोटल से हमने तीनों के टोटल कर लिया, और पुट नंबर से हमने नंबर डिस्प्ले करा दिया, मार्क्स डिस्प्ले करा दिया, और स्कोर डिस्प्ले करा दिया, और उसके बाद हमने टोटल डिस्प्ले करा दिया। अब हम मेन क्लास में आते हैं। रिजल्ट का हमने बनाया ऑब्जेक्ट, गेट नंबर, गेट मार्क्स, गेट स्कोर से हमने क्या किया, सारे डेटा हमने स्टोर करा लिए, और डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो उसका सारे वैल्यूज डिस्प्ले कराएगा, एज वेल एज टोटल डिस्प्ले कराएगा। आप देख सकते हैं रोल नंबर, फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स एंड स्कोर। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम है, मल्टीपल पाथ से हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शंस सब क्लास में आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जब भी इनहेरिट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, उस बेस क्लास को हम क्या बना देंगे, वर्चुअल बेस क्लास, यानी कि इनहेरिट करते वक्त हम लोग वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे, तो वो वर्चुअल बेस क्लास की तरह ट्रीट करेगी, और उससे एक ही सिंगल कॉपी क्या होगी, चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होगी। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।